पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने अब तक व्यापारियों को अपना समय दिया और व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी है। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज मित्तल जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया व्यापार सभा के भी ये प्रदेश महामंत्री हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं। आपका महामंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है नीरज मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो आपने मेरा इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। मैं लगभग 92 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने हमेशा व्यापारियों की हित में निर्णय लिए हैं। आज की परिस्थिति में व्यापारी अपने को बेबस इस मौजूदा सरकार में समझ रहा है, क्योंकि पहले ये सरकार GST लाई, उससे पहले नोटबंदी रही। नोटबंदी के कारण व्यापारी काफ़ी पीड़ित रहा, लाइनों में कई व्यापारियों की मौतें भी हुई। आज की स्थिति में व्यापारी अपने को ठगा हुआ सा समझ रहा है, क्योंकि इस सरकार ने व्यापारी की ही सरकार कहलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई ऐसा ठोस योजना नहीं लाए जिससे व्यापारी को फायदा हो सके। क्या लगता है कि इस वक्त कैसा मतलब काम चल रहा है, कैसी सरकार काम कर रही है, क्या व्यापारियों के हित में काम कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई व्यापारी विधायक जो हमारे पुराने साथी हैं, इस मौजूदा सरकार में अपने को बेबस, अपनी आवाज़ व्यापारी के हित में कोई कार्य ना कराने की स्थिति में है। और जब वो बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप सब समझ सकते हैं हम तो विपक्ष पार्टी से हैं, हम जो भी बोलेंगे हो सकता है कल ये मौजूदा सरकार हम पे कई तरह के आरोप लगाकर फंसा सकती है। इसलिए जो दिख रहा है वो सही है। अब आपके विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और आने वाला समय में कहीं ना कहीं आपकी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो इस बार चुनाव मैदान में भी रहेगी, तो किस तरह से व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी जाएगी और क्या काम करने वाले हैं? सवाल पूछा है व्यापारी मामलों में। जब से समाजवादी पार्टी ने व्यापारी को जो हमारे गुरु समझ लीजिए, माननीय सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी कानपुर के जो व्यापारी नेता थे, उन्होंने हमेशा व्यापारियों के लिए संघर्ष किया, उसी सिद्धांत पर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विभिन्न समस्याएं व्यापारियों की निपटाई, समाप्त की, जैसे कि 3/7। 3/7 ऐसे काला कानून था कि अगर उसमें व्यापारी कहीं अधिकारी उसे फंसा देते थे तो उसकी आसानी से जमानत भी नहीं होती थी, वो सीधा हाई कोर्ट से जमानत होती थी। तो ऐसे काले कानून को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाप्त किया। दूसरी बात, व्यापारी चुंगी ख़त्म करी। पहले व्यापारियों पर वाणिज्य कर अधिकारी सर्वे करते थे, जांच करते थे, जांच के नाम पर उनका उत्पीड़न करते थे, उसको समाप्त किया। व्यापारियों के लिए लाभभारी बीमा योजना लाए जिससे उनको और उनके परिवार को फायदा हुआ। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे हिसाब से व्यापारी के हित में अगर किसी ने कार्य किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। और मेरा मानना है माननीय अखिलेश यादव युवा नेता हैं और माननीय शिवपाल यादव जी मजे हुए राजनीतिक नेता हैं, अगर ये दोनों नेता
एक साथ कार्य करेंगे तो समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा और आने वाले 2022 के बाद जनता को भी विकास दिखेगा। तो क्या बदलाव होंगे जब अगर आपकी सरकार आएगी तो? देखिए, मेरा मानना है ये बात निश्चित है कि 2022 में समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल यादव जी और छोटे छोटे दल, जिसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हम इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की तरह हम बड़ी बड़ी बात तो नहीं करते, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमने इनसे पहले 5 साल में जो विकास का कार्य किया वो कार्य और आगे आपको दिखेगा। ले हमें उस विकास के कार्य को हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेतागण जनता तक नहीं पहुंचा पाए और इन्होंने भ्रमित करके राजनीतिक धर्म युद्ध फैलाकर, धार्मिक युद्ध फैलाकर उसको जनता को गुमराह किया। फिर आखिरी सवाल है कि आखिरकार जो व्यापारी है वो आप पर भरोसा क्यों करे, क्या वजह माने कि वो आपकी तरफ आए? ये कोरोना काल में जो व्यापारियों ने, जो जनता ने अपने समाज के, अपने परिवार को, लोगों को खोया है, वो शायद इस मौजूदा सरकार को माफ़ ना कर सके। और मैं की बताता हूँ, हो सकता है कि इनकी जगह भी कोई सरकार दूसरी होती वो भी इस बीमारी को नहीं रोक पाती, लेकिन उसके लिए जैसे कि अस्पतालों में कमियां खली और सही समय में सही इलाज नहीं हुआ तो उसमें कैजुअलिटी जो ज़्यादा बढ़ी हैं वो कम हो सकती थी। यही ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने 11 की कमेटी बनाई थी, हमेशा इस बीमारी के तहत IAS अधिकारी की कमेटी काम नहीं करती है, उसमें डॉक्टर की कमेटी काम करती है। और मेरा मानना है अगर इसमें मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टरों को सुझाव लेते, रिटायर्ड मिलिट्री के डॉक्टरों का साथ लेके चलते तो कैजुअलिटी कम होती। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।